और मैं RDX प्लेयर्स को शुभकामना देता हूँ। इसको अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर। प्रतिभाओं के स्पोर्ट के लिए RDX नाम का ऐप। हुनर शहरी हो या देहाती, परोसा टैलेंट के चोखा बाटी, तो हमरे संगे डाउनलोड करा RDX प्ले ऐप, अब बनी तुहार पहचान। तो दोस्तों आपने वीडियो के क्लिप देखा, दोस्तों इस वीडियो में जो है RDX एप्लीकेशन के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों ये एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको जो है प्रमोट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करेंगे, किस प्रकार इसमें आप साइन अप करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल फुल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों RDX एप्लीकेशन एक न्यू एप्लीकेशन है जो कि एक महीना ही हुआ इसको लॉन्च हुए। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन पे अभी के टाइम पर बहुत ही कम ट्रैफिक है। यदि आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो गाइस आप इसमें अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हो, क्योंकि दोस्तों जिस जो भी एप्लीकेशन नया होता है तो गाइस पर ट्रैफिक कम होता है। अभी के टाइम भी एप्लीकेशन पर भी ट्रैफिक बहुत कम है, मात्र इस पर जो है 10,000 ही डाउनलोडर हैं। तो दोस्तों इस पर आप जो अपना वीडियो क्रिएट करेंगे तो हर वीडियो आप जो है ट्रेंडिंग सेक्शन पे दिखाया जा रहा है। अभी के टाइम पर हर वीडियो को ट्रेंडिंग सेक्शन पे दे रहा है, क्योंकि जो है एक न्यू एप्लीकेशन है और जो अपने यूजर को पढ़ा रहा है। तो दोस्तों अभी के टाइम पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो गाइस में जो आप अच्छे खासे फैन फॉलोइंग बना सकते हो, और दोस्तों आपका हर वीडियो अभी के टाइम पर वायरल जाएगा। तो दोस्तों इस पर जो है किस प्रकार से आप वीडियो बनाएंगे, किस प्रकार इस पर जो है साइन अप करना है, क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से इसे यूज करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में फुल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और दोस्तों हम चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ताकि मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है RDX ऐप। जैसे यहाँ पर आप लोग सर्च करें तो ये जो एप्लीकेशन नंबर एक पर आपको दिखाई दे जाएगा, तो गाइस आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो गाइस आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर ओपन आ रहा है। तो गाइस मैं इसको जो ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ इसीलिए ये ओपन आ रहा है। तो गाइस आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो गाइस आप इसको इंस्टॉल करके आप इसे ओपन कर लेना है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एंड ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें साइनअप करना होगा। साइनअप करने के लिए आपको यहाँ पर एक मी वाला ऑप्शन मिलेगा, तो गाइस इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर गूगल, फेसबुक, फ़ोन नंबर, मोबाइल, ईमेल, जिससे भी आप बनाना चाहते हो यहाँ पर बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन को फेसबुक से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फेसबुक पर क्लिक किया, इसमें जो है साइनअप करना है। तो गाइस आप जो है फ़ोन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर हमारा फेसबुक आ चुका है, मैं इसको जो है योगेंद्र मतलब जो है हमारा यहाँ पर नाम आ रहा है, तो चलिए इसमें इससे मैं साइन अप कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अकाउंट बन चुका है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं यू हैव सक्सेसफुली। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने मी वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो गाइस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारा अकाउंट बन चुका है। तो दोस्तों अब आपको करना है कि इसको जो है प्रोफाइल पर कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो गाइस सिंपली से थ्री डॉट दिख जाएगा, तो थ्री डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर जो है शेयर का यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस आप यहाँ पर जो है लोकेशन भी इस पर ऐड कर सकते हैं, एंड आप यहाँ पर जो है अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैंने आप जो नाम इसी को रखना है, और यहाँ पर आप जो यूजर नेम भी यहाँ पर जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो चलो मैं यूजर नेम चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ योगेंद्र, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ योगेंद्र, मैंने यहाँ पर डाल दिया योगेंद्र वन। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाल दिया योगेंद्र वन, और आपको यहाँ पर ईमेल जो लॉगिन कर देनी है कर देनी है, और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लॉगिन कर देना है, ऐड कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अपना नाम चेंज कर दीजिए, और यूजर नेम चेंज करना चाहिए यूजर नेम चेंज कर दीजिए, और यहाँ पर ईमेल, फ़ोन नंबर, बायोग्राफी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, आप यहाँ पर जिसकी भी यहाँ पर लिंक डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिंक डाल दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं डाल रहा हूँ, और आपको यहाँ पर ऊपर आपको एक सेव का आइकन मतलब सही का निशान दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो क्या कर देंगे तो गाइस यहाँ पर जो है हमारी आईडी चेंज हो गई, अब यहाँ से आप जो वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों को वीडियो कैसे अपलोड करना है मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं होम पर आ जाता हूँ, एंड होम पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर जो है फॉलो का ऑप्शन मिल जाएगा, और एक यहाँ पर आपको फॉलोइंग का ऑप्शन दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको जो है फॉलोइंग का ऑप्शन दिखाई जिसको आप यहाँ पर फॉलो करना चाहते हो यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, और आपको यहाँ पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन का भी ऑप्शन मिलता है। तो गाइस यहाँ पर आप जो है जो भी यहाँ पर ट्रेंडिंग मतलब जो हैशटैग चलती होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी, और यहाँ पर एक जो नीचे
एक्सप्लोरर का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो भी ट्रेंडिंग हैशटैग चलेंगी वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। और गाइस आप यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, जो भी आप यहाँ पर वीडियो बनाएंगे तो गाइस यहाँ पर आपको जो है नोटिफिकेशन दिख जाएगी और यहाँ पर जो है न्यूज यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो गाइस आप यहाँ पर प्रेस के आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो वीडियो भी बना सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको यदि फुल इसके बारे में समझाऊंगा तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा किस प्रकार से को आप जो है यूज करना है। तो दोस्तों मैंने अभी के टाइम पर इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखा दिया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस प्रकार से जो हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों इस एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करके यूज करिए और जो हमें कमेंट में बताइए कि किस प्रकार का मतलब ये आपको अकाउंट लगा, मतलब ये किस तरह का एप्लीकेशन लगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना ताकि मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।